शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। छोटी पर दबाव डालकर पुलिस के हाथों मुझको मरवा देना चाहता है ताकि वो खुद चैन की जिंदगी जी सके, मगर मैं उसे तड़पा तड़पा कर ऐसी मौत मारूंगी कि वो खुद मौत को देख कर तड़प उठेगा। मगर उससे पहले मुझे उस इंस्पेक्टर पांडे से हिसाब करना होगा जो पुलिस की वर्दी पहनकर उस नगीना की बोली बोलता है। आज तो उसकी बोलती बंद करके रहूंगी। अरे भी पर्दा कैसा? पर्दा हटाओ। अरे चमिया, और ज्यादा मत तरसाओ, पर्दा हटा दो, उठा दो। अरे बिंदिया तुम! हाँ, शुक्र है तूने अपनी मौत को जल्दी ही पहचान लिया। आज मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तूने मेरे मोहन का किया था। बिंदिया छोड़ दो। मेरी समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। पिछले 6 महीने से मर्डर, डकैती, अपहरण और रेप जैसे कितने अपराध हुए हैं और हमारी पुलिस किसी भी मुजरिम को नहीं पकड़ पाई है। आप लोग कर क्या रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता। अरे हमारे ऊपर हाई कमांड का प्रेशर होता है, मिनिस्ट्री को जवाब देना पड़ता है हमको। और मिस सपना, आपके बारे में तो और भी गंभीर आरोप है। आपके एरिया से नगीना सिंह की लिखित कंप्लेंट आई है कि संग्रामपुर के शमशेर सिंह का खून बिंदिया ने किया और आपने उसे सिर्फ इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि वो आपकी बहन है। सपना, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। इंस्पेक्टर पांडे के मौत के बारे में तुम क्या कहोगी? वो तो हमारे डिपार्टमेंट का आदमी था ना, कैसे हो गया उसका मर्डर? अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सपना, वरना ये केस किसी और को देना पड़ेगा। सर, मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दीजिए, मैं आपसे वादा करती। लेकिन एक बात साफ साफ समझ लो सपना, इन फ्यूचर आई डोंट वॉन्ट एन एक्सक्यूज, आई वॉन्ट रिजल्ट। डू यू अंडरस्टैंड? ओके सर। मैं तुम्हें सिर्फ 48 घंटे की मोहलत देता हूँ, सिर्फ 48 घंटे, समझ गई? यस सर। यू मे गो। आखिर कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा? इस सिलसिले का अंत जानती हो? या तो जेल की काल कोठरी है या पुलिस की गोली। बिंदिया किसी गोली या बारूद से नहीं डरती। बिंदिया ने जिस दिन से बंदूक उठाई है उस दिन से सर पर कफन बांध लिया है। आखिर तुमने मेरे बारे में कुछ सोचा है? मोहन, मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ,
इसी के लिए अपनी जान पे खेलकर तुम्हें पुलिस के चंगुल से छुड़ा कर लाई हूँ। और बिंदिया, मुझे पुलिस के चंगुल से तुम छुड़ा कर ले आई, लेकिन इस बीआर से तुम मुझे कब मुक्ति दिलाओगी? जब उस नगीना को खत्म कर दूंगी तब। ओह, उस नगीना को मार के एक और खून का इल्जाम तो अपने सर ले रही हो। अभी भी वक्त है बिंदु, तुम मेरा कहा मानो और पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। 2-3 साल के बाद जब तुम बाहर आ जाओगी ना, तो बाकी की जिंदगी हम चैन से गुजारेंगे। हाँ मोहन, मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करती हूँ। ये सब तुम इसलिए कह रहे हो ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम नहीं चाहते कि मैं पुलिस की गोली से अपनी जान गवा बैठूं। हाँ बिंदु। मोहन, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन उस नगीना को मारने के बाद। क्या बात है मोहन बाबू, इतनी रात गए आपने मुझे अकेले क्यों बुलाया? सपना, कल बिंदिया नगीना को मारने के लिए किसी भी हालत उसके घर जरूर जाएगी और इसमें उसकी भी जान जा सकती है। मैं ये चाहता हूं कि तुम उसे गिरफ्तार कर लो सपना। कम से कम कानून कुछ दिनों की सजा के बाद उसे माफ तो कर देगा और रिहा कर देगा, और फिर वो आगे की जिंदगी चैन से गुजार सकेंगे। सपना, मैं ये चाहता हूं कि बिंदिया इस जुर्म के दलदल में फंसती जाए और उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, और उसे अगर कुछ हो गया तो मैं, तुम समझ रही हो सपना? हाँ मोहन बाबू। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं आपकी भावना को समझ रही हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं वादा करती हूं मोहन बाबू कि आपकी बिंदिया को सही सलामत मैं आपके पास पहुंचा दूंगी। बिंदु को कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूं। हलुआ जी मालिक, हमारी बंदूक अच्छी तरह साफ कर दी। हाँ मालिक। बहुत दिनों से हमने जंगल में शिकार नहीं किया, आज हवेली का शेर जंगल जाएगा, जंगल के शेर का शिकार करेगा। जी मालिक। क्या बात है ऑफिसर साहिबा, आज हमारी इस हवेली में कैसे आना हुआ? आपकी सुरक्षा के लिए आई हूँ। एक अलुआ। जी मालिक। कहीं हम रातों रात मंत्री तो नहीं बन गए कि थानेदारनी जी हमारी सुरक्षा के लिए आई हैं? सपनों की दुनिया से बाहर निकलो नगीना, तुम्हारे सर पे मौत मंडरा रही है। अलुआ। जी मालिक। आज का शिकार कैंसिल, हमारी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मालिक? डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को मैं बुलाती हूँ।